दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने अमेजोन से रिसेंटली कोई टीवी परचेस की है या फिर आप अमेजोन से कोई टीवी परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको डाउट है कि जब आपके यहाँ टीवी डिलीवर होगी तो उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, आपको किसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ताकि आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाए। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टॉलेशन के क्या चार्जेस हैं, वॉल माउंट चार्जेबल है कि नहीं, और साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आप टीवी को ऑर्डर करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं इन्फोडेस्क टेक, मेरा नाम है अमित। बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अमेजोन एक काफ़ी ट्रस्टेड ई कॉमर्स साइट है जहाँ से आप टीवी और बाकी सारी प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपको काफ़ी जेन्युइन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। आज हम चूंकि बात टीवी की कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि जब आपने कोई टीवी को सिलेक्ट किया कि आपको जो टीवी ऑर्डर करनी है, आप अमेजोन की साइट पर जाते हैं और प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। जब आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक डिलीवरी डेट मिलती है जिस दिन आपके यहाँ पे टीवी डिलीवर होगी। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा सिंपल प्रोसेस है, जैसे ही आप टीवी ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद डिलीवर आपके यहाँ पर हो जाएगी, उसके लगभग 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ पर एक कॉल या फिर मैसेज आ जाएगा। कॉल या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस डेट को आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा। अगर आप उस डेट पे अवेलेबल हैं तो ठीक, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके और एक म्यूचुअल डेट डिसाइड कर सकते हैं और म्यूचुअल डेट में जो भी आपकी डिसाइड होगी उस दिन आप अपना इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। दोस्तों साथ में ही आपको ध्यान रखना है, जब आपके यहाँ पे टीवी डिलीवर हो, डिलीवर होने के बाद से लगभग 10 दिन का टाइम होता है, या फिर आप पर्टिकुलर टीवी में चेक कर लें जिसके बारे में वीडियो में हम आगे भी बात करेंगे कि आपकी टीवी में अगर कोई दिक्कत आती है तो रिप्लेसमेंट विंडो क्या है, रिप्लेसमेंट पीरियड क्या है। जनरली ये 10 डेज का रिप्लेसमेंट पीरियड होता है। इस टाइम में अगर आपकी टीवी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी टीवी का रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न भी हो जाता है। मगर दोस्तों आपको दो चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी सर्विस मिली है और उस केस में जब आपके यहाँ पे टीवी डिलीवर होगी, डिलीवरी के टाइम पे ही आपको बॉक्स ओपन करवा के और जो डिलीवरी एजेंट है उनके सामने ही टीवी को ओपन करके चेक कर लेना है कि आपने जिस कंपनी की टीवी ऑर्डर की थी वही आई है, जिस साइज की थी वही आई है, जिस कलर की थी वही मिली है आपको कि नहीं। साथ में ही उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, फिजिकली रूप से कॉर्नर ब्रेकेज तो नहीं है, स्क्रीन टूटी तो नहीं है, या फिर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, जैसे रिमोट ना हो या फिर कोई दूसरी एक्सेसरीज उसमें केबल ना हो। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। जब आपको सारी चीज़ों में सेटिस्फेक्शन हो जाए कि सारी चीज़ें हैं तो आप उसके बाद ही डिलीवरी एक्सेप्ट करें और कोशिश करें उसके बाद कि लगभग 10 दिन के अंदर, चूंकि 10 दिन की रिटर्न विंडो होती है, रिप्लेसमेंट विंडो होती है टीवीज़ में जनरली, आप एक बार अपने ऑर्डर सेक्शन में चेक कर लें कि आपकी टीवी में रिटर्न या रिप्लेसमेंट पीरियड क्या है, 7 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, उसके हिसाब से आप उस डेट के अंदर इंस्टॉलेशन करवा लें और आपकी टीवी को चला के और सारी तरीके से चेक कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसके कलर्स वगैरह, स्क्रीन वगैरह में कोई दिक्कत आपको तो नहीं आ रही है, उसके सारे पोर्ट्स वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर 10 दिन के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप आसानी से उसको रिप्लेसमेंट या रिटर्न के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर 10 दिन के बाद दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है टीवी में तो फिर आपको रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न के लिए जो है वो डायरेक्टली ब्रांड से या फिर उनके जो सर्विस सेंटर हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों टीवी के इंस्टॉलेशन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी टीवी के साथ में वॉल माउंट स्टैंड अगर आ रहा है तो आपको वॉल माउंट स्टैंड के कोई चार्ज नहीं लगेंगे, और अगर टीवी के साथ में वॉल माउंट स्टैंड नहीं है, मतलब टीवी के बॉक्स में अगर वॉल माउंट स्टैंड नहीं है तो अलग अलग टीवी के हिसाब से अलग अलग वॉल माउंट के चार्जेस होते हैं, वो वॉल माउंट के चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं जो कि हैं 299 रुपये से लेके लगभग 500 रुपये के बीच में, अलग अलग टीवी साइज के हिसाब से और अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे वॉल माउंट ब्रैकेट के। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप अमेजोन से कोई टीवी ऑर्डर करें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और साथ में इस तरीके से जो कि आपको वीडियो में बताया गया है आपकी टीवी का इंस्टॉलेशन वॉल माउंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। दोस्तों इसी तरीके के वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर बनाते हैं जो कि आपकी लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे इन्फोडेस्क टेक, मेरा नाम है अमित, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।